त्योथल नगर परिषद क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक हितग्राहियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान नसीब नहीं हो सका है, जिसके चलते हितग्राही आज भी पन्नी, त्रिपाल और घास फूस की मड़ाई के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल इन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत हो गए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते इन्हें योजना की दूसरी और तीसरी किश्त अभी तक नहीं मिली, जिसके चलते इनके आवास अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। परेशानी यही है कि आवास मिला था, सरकार का लाभ दुनिया ले रही है, हम भी सोचे ले ले, तो क्या घर कच्चा था, गिरा दिए। एक किस्त आई, हमने चालू कर दिया घर बनवाना, दूसरी किस्त आई नहीं, अब परेशानी झेल रही है एक साल से। कार्यालय जाते हैं तो बोलते हैं बस लाइन में लगे रहो, आ रही है किस्त, आने वाली है, बार बार तो जाते हैं, कोई मेरा सुनता ही नहीं। ठंडी में मवेशी भी मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। रजनी देवी, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है, कच्ची मकान रही, कॉलोनी आई, एक किस्त मिली, दूसरी किस्त मिल नहीं रही, पन्नी के तरे रही रहे, आज 2-3 साल से परेशानी चल रही। आज जाई थे नगर पालिका, सब अधिकारी कहा था कि मिली, और दई नहीं रहे, एसडीएम के लगे गए, वो भी नहीं सुनते, कौना अधिकारी नगर पालिका के नहीं सुन रहे हैं, का किन जाए, बड़ी परेशानी हमारे पास चल रही है। अब कौना मेयर का हमारे अधिकार नहीं रहेगा, कौना हमारे चारा ही नहीं रहेगा। परेशानी ये आ रही है कि हमारे पास कच्चा मकान था, तो हमारा आवास आया मैडम के नाम से, तो परेशानी यही है कि मकान आया, एक किस्त आई, और दोबारा किस्त साल से आई नहीं रही है। नगर पालिका जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, और दिक्कत इतनी है कि पानी बरसात के लिए तो बहुत दिक्कत आ रही है, ठंड में तो भाई ठंडी भी कर देती है, हालत बिगड़ जाती है, रहने की व्यवस्था नहीं है, पन्नी में रह रहे हैं तो उसे पन्नी में अगर ठंड रुकता है, कभी कभी नहीं रुक पाती है उसमें, और घर भय नहीं, गिर गया, गिरा दिए हैं कच्चा, अरे ये 1 साल हो गया, 1 साल से नहीं आ रही। मैं चेक करा देता हूँ, आप मुझे सूची दे दीजिए कौन कौन से ड्राइविंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किस्त जारी नहीं हुई है। ठीक है, थर्ड किस्त का तो कोई इशू ही नहीं है, वो मेरे पास फाइल ही नहीं आती है, वो सीधा सीएमओ ही करते हैं, जो लास्ट का थर्ड किस्त 50,000 रुपए होती है वो जारी हो जाती है, फर्स्ट और सेकेंड किस्त की फाइल मेरे पास आती है, तो मैं आप मुझे सूची दिला दीजिए, मैं दिखवा देता हूँ कि कौन कौन का बचा हुआ है, मैं जांच करा के उनको यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने आवाज दे दिया है, कोई अगर रैंडमली कहीं पे छूट गया है तो आप नाले पर डाल दो, मैं करवा देता हूँ उनका, हो जाए टीम बना के जांच हो करके काफी सारे लोगों को हमने दे भी दिया है आवास का पैसा, अगर कोई आप मुझे सूची दे दीजिए, अगर ऐसा कोई है तो मैं दिखवा देता हूँ, उनको भी दिखवा देता हूँ।